माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं अरविंद घोष के बारे में। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में होता है। उनके पिताजी का नाम कृष्णधन घोष, माता का नाम स्वर्णलता देवी और पत्नी का नाम मृणाली देवी था। अरविंद घोष के पिताजी पेशे से एक चिकित्सक थे और उनका जन्म काफी रिच फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी पश्चिमी सभ्यता को अच्छा मानते थे और अपने बच्चों को भी उसी के अनुसार ढालना चाहते थे। इसके लिए सबसे पहले अरविंद घोष की पढ़ाई जो है वो दार्जिलिंग के स्कूल से होती है। फिर जब वो 7 वर्ष के होते हैं तब कृष्णधन घोष अपने पूरे फैमिली के साथ इंग्लैंड में जाकर बस जाते हैं और वहीं से उनकी पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। कृष्णधन घोष ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो ICS परीक्षा पास करें और भारतीय सिविल सर्विस के तहत अपना योगदान दें। लेकिन होता ये है कि उनके और बच्चे जो हैं वो अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, तो फिर उनके पिताजी को सिर्फ अरविंद घोष पे नाज रहता है कि यही मेरा बेटा ICS निकालेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। होता भी है, अरविंद घोष ICS की परीक्षा पास करते हैं, लेकिन घुड़सवारी की जब बारी आती है तो वो उस परीक्षा में जानबूझकर अपना प्रदर्शन जो है वो अच्छा नहीं करते हैं। फिर भी 250 लोगों में उनकी रैंक जो है वो 11वीं रैंक आती है। जब उनका मन नहीं था तब इतना अच्छा रैंक लाते हैं वो। जब अरविंद घोष इंग्लैंड में रहते हैं तो वहाँ पे एक मजलिस जो है, क्रांतिकारी संगठन होता है, उससे वो जुड़ जाते हैं और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। श्री अरविंद घोष का जीवन चरण जो है वो 3 पार्ट में हमें देखने को मिलता है। पहला चरण जो है उसमें वो क्रांतिकारी विचार के होते हैं, दूसरे चरण में वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं और तीसरे चरण में वो अध्ययनवादी हो जाते हैं, या फिर हम कहें कि वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं उनके बारे में कि उनके विचार क्या थे, उनका आगे का जीवन कैसा होता है। तो अरविंद घोष शुरू से ही क्रांतिकारी विचार के होते हैं। कितनी भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में वे पढ़ लें, लेकिन उनका दिल जो है हमेशा हिंदुस्तानी रहता है। उनके पिताजी लंदन लेकर चले जाते हैं लेकिन भारत से लगाव उनका नहीं छूटता है। अरविंद घोष की इंग्लैंड में मुलाकात होती है, बड़ौदा के जो राजा होते हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है और वो उनसे काफी प्रभावित होते हैं और वो अपने यहाँ आकर उन्हें सेवा देने की बात करते हैं। 1893 में अरविंद घोष भारत आते हैं और यहाँ पे बड़ौदा राज्य में जाकर अपनी सेवा देते हैं। वहाँ विभिन्न पदों पर वो अपनी सेवा देते हैं। इसके साथ ही वहाँ पे जो कॉलेज होता है वहाँ पे वो अध्ययन कार्य भी कराते हैं। बाद में वो वहाँ के प्रिंसिपल भी बन जाते हैं। भारत आने के बाद अरविंद घोष कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। 1902-1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में वो भाग लेते हैं। लेकिन अरविंद घोष जो होते हैं वो नरमपंथी जो भारत के नेता होते हैं उनसे वो इंतफाक नहीं रखते, उनके विचारों से वो सहमत नहीं होते। वो उग्रवादी विचारक होते हैं और वो तिलक जी के, बाल गंगाधर तिलक के बड़े प्रशंसक होते हैं। जब 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट जाती है, जो एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी विचारकों में, तो अरविंद घोष जो होते हैं वो बाल गंगाधर तिलक की टीम की तरफ से रहते हैं और वो नरमपंथियों की जो विचार है उसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी आज़ादी चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें थोड़े बहुत इनके वादे लुभाने से कुछ नहीं होगा, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अरविंद घोष कुछ पहले विचारकों में से ऐसे थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। फिर 1908 में अलीपुर केस के संबंध में इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ से अरविंद घोष के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। होता यह है कि उन्हें सपने में जो है ऐसा लगता है कि मुझे सपने में कोई दिव्य शक्ति आकर मिलती है। वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान कृष्ण की अनुभूति हुई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना रास्ता जो है इस तरफ मोड़ो। उन्हें विवेकानंद की आवाज़ें सुनाई देती हैं और ऐसा वो बोलते हैं कि वो मुझसे अलीपुर जेल में मिलने आए थे, तभी से मुझे उनके शब्द जो थे वो कानों में हमेशा सुनाई देने लगते हैं। मैं यहाँ की किसी भी संस्कृति से
इतना जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मैं अपने आप ही पता नहीं कैसे योगा अभ्यास करने लगता हूँ, लोगों को है जो वो स्पिरिचुअल बातें करने लगता हूँ। तो यहाँ से जो है वो अरविंद घोष का नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। होता यह है कि 1910 में वो वापस आते हैं जेल से, और उसके बाद से वो पांडिचेरी में जाकर अपना आश्रम बना लेते हैं। पांडिचेरी उस समय फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, वहाँ पे वो अपना आश्रम बना लेते हैं और वहीं से फिर वो अपना काम करते हैं। अब उनका काम जो है वो बदल जाता है, वो लोगों में चेतना जगाने की कोशिश करते हैं। वहाँ जाके 1914 में वो आर्य नामक एक पत्रिका निकालते हैं और उसमें अपने विचारों को रखते हैं, लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वतंत्रता, बाह्य स्वतंत्रता चाहिए, हमें आंतरिक स्वतंत्रता चाहिए, हमें व्यक्तिक स्वतंत्रता चाहिए। वो अपनी भारत भूमि, भारत माँ को स्वतंत्र कराना चाहते थे। वो बोलते थे कि अगर इंसान बेड़ियों में जकड़ा हुआ रहेगा, अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा, तो वो पूर्ण रूप से अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम स्वतंत्र रहें। राज्य को, देश को वो यंत्र मानते थे, एक देवीय अवतार मानते थे। इसके तहत ही वो भारतीयों को जागृत करने की कोशिश करते थे कि ये जो है ये हमारी माँ है। अगर आपकी माँ अगर किसी बंधन में पड़ी हुई रहेगी, कोई उसे जकड़ लेगा, तो क्या आप उसे मुक्त नहीं करेंगे? तो ऐसे थे अरविंद घोष के विचार। उनके राष्ट्रवादी विचार के बारे में कहें तो उनका राष्ट्रवाद जो था वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, वो धर्म पर आधारित था। वो निष्क्रिय प्रतिरोध की भी बात करते हैं, लेकिन उनका निष्क्रिय प्रतिरोध जो था वो गांधी जी के निष्क्रिय प्रतिरोध से बिल्कुल उलट था। गांधी जी बोलते थे कि निष्क्रिय प्रतिरोध है कि आपके साथ अगर सामने वाला कोई व्यक्ति आपके साथ हिंसा करता है, तब भी आप उसके साथ हिंसा ना करें। यानी कि आपके एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो आप अपना दूसरा गाल दे दे उसे। लेकिन अरविंद घोष ठीक इसके उलट बोलते हैं। हालांकि वो हिंसा के समर्थक नहीं थे, वो अहिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन वो बोलते थे कि एक लिमिट तक जो है अहिंसा की जा सकती है, हिंसा को बर्दाश्त एक लिमिट तक किया जा सकता है। वो भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि दुष्टों के प्रति, अन्याय के प्रति खड़े हो जाना ये धर्म युद्ध है। तो हमें, अगर हम अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं तो ये हमारा धर्म युद्ध है, और कोई अगर हमारे अहिंसा के बदले में अगर पलटकर हिंसा करता है तो उसका भी हमें बड़े ही जोरदार ढंग से उसका पलटवार करना चाहिए। निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत अरविंद घोष और भी बातें बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमें स्वदेशी को अपनाना होगा, हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना होगा, हमें अपने शिक्षण संस्थान खोलने होंगे, हमें अपने न्यायालय खोलने होंगे। यानी कुल मिलाकर वो ये बोलते थे कि हमें जो, हम जो हैं भारतीय जो हैं, अंग्रेजों पर इतने डिपेंड हो चुके हैं कि सब कुछ उनका है, न्यायालय उनका है, स्कूल उनका है, व्यापार उनका है, हम पूरी तरह से उनकी चपेट में आ चुके हैं। तो हमें सबसे पहले इन सब चीज़ों से, इन दास्ताओं से मुक्ति लेनी होगी। हमें खुद के स्कूल बनाने होंगे, खुद के कॉलेज बनाने होंगे, हमें लघु उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना होगा, तभी जाकर हम उनकी कमर तोड़ पाएंगे। अगर हम उनकी इस डूबते हुए नस पे हाथ नहीं रखेंगे तो हम कभी भी उनसे स्वतंत्रता नहीं पा सकेंगे। अरविंद घोष विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना चाहते थे, और हमारे देश की ये परंपरा भी है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। तो इसी विचार को जो है वो भी बढ़ाते हैं आगे। वो अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास रखते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया के प्रत्येक देश जो है वो सब मिलजुल कर रहे हैं, कोई किसी का शोषण ना करे। इसके साथ ही अरविंद घोष लोकतंत्र के विरोधी थे, पूंजीवाद के विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि पूंजीवाद में जो है वो शोषण होता है, अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण होता है। अरविंद घोष ने 9 वेदांत दर्शन दिया। उनके दर्शन में क्या था? उनके दर्शन में था कि हमें मानव मूल की सहायता करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को पाने में जो हमारा साधन है उसे पवित्र रखना चाहिए, मानव और ब्रह्मा के बीच में एक अटूट संबंध है। तो ये उनका 9 वेदांत का दर्शन था।
अब हम जानेंगे कि अरविंद घोष से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आता है कि वो किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए थे। तो अरविंद घोष लंदन में मजलिस जो संस्था थी, क्रांतिकारी संगठन, उससे जुड़े हुए थे, और भारत में वे गुप्त समाज नाम के क्रांतिकारी संगठन से जुड़े होते हैं। इसके अलावा अरविंद घोष जो है वो पत्रिका अपनी निकालते हैं, 1906 में वंदे मातरम में वे अपना संपादन करते हैं, वो लेख लिखते हैं अपना। इसके अलावा कर्मयोगिनी में भी वो लिखते हैं, और धर्म नाम का उनका एक पत्र आता है। फिर 1914 में वो आर्य नामक पत्रिका निकालते हैं, और उसके माध्यम से जो है वो अपने लेखनी को, अपने राष्ट्रवाद को, अपने विचारों को भारत के लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद हम उनकी कुछ रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो उनकी प्रमुख रचनाएं थी द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, एसे ऑन गीता, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, न्यू लैम्प फॉर वर्ल्ड, और इसके अलावा सावित्री नाम का एक कविता भी लिखते हैं। अरविंद घोष के बारे में कुछ विचारकों ने कुछ मत व्यक्त किए थे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। प्रसिद्ध विद्वान रोमा रोला ने इन्हें भारतीय दार्शनिकों का सम्राट कहा था। तो टैगोर जी ने कहा था कि भारत अरविंद के माध्यम से दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान देगा। वहीं राधा कृष्णन ने इन्हें भारतीय विचारकों में सुयोग्यतम और सुयोग्य विचारक कहा था। तो वहीं लॉर्ड मिंटो ने अरविंद घोष को ब्रिटिश लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। फिर वो दिन आ जाता है जब 5 दिसंबर 1950 के दिन अरविंद घोष इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। उनकी मृत्यु पांडिचेरी में ही होती है। आज भी उनका जो आश्रम है वो लोगों की सेवा में नित्य प्रतिदिन काम कर रहा है, और आज भी उनको मानने वाले उनके फॉलोवर्स काफी बड़ी संख्या में थे। तो ये थी अरविंद घोष की कहानी। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।